Hey Rewind, welcome back. हाजिर हूँ आपके लिए लेकर ए मिस्टीरियस कोरियन हॉरर थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है द डिवाइन फ्यूरी। ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच इज़ प्रीटी गुड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में इसे लिख दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म के शुरुआत में हम पार्क नाम के बच्चे को देख पाते हैं, जिसकी मदर नहीं थी और वो अपने फादर और ग्रैंड मदर के साथ रहता था। सुबह का ब्रेकफास्ट वो खुद ही बनाया करता था एंड एक दिन वो अपने फादर के साथ चर्च जाता है प्रे करने, और वहाँ चर्च के फादर कहते हैं, गॉड सबकी प्रेयर सुनते हैं, बस ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कभी गॉड पर अपना फेथ लूज ना करें एंड एक ना एक दिन वो हमारी विश ज़रूर पूरी करेंगे। फिर प्रेयर के बाद पार्क अपने फादर से पूछता है, डैड, गॉड तो सबकी प्रेयर सुनते हैं और पूरी भी करते हैं, तो क्या आपने विश नहीं की मदर वापस आ जाए? एंड तभी उसके डैड रिप्लाई करते हैं, बेटा, मैंने और तुम्हारी मदर दोनों ने गॉड से प्रे किया था। मैंने विश किया था कि आपकी मदर बच जाए, बट गॉड ने आपकी मदर की प्रेयर्स पहले सुन ली और आप बच गए। फिर हमें पता चलता है पाक के फादर एक पुलिस ऑफिसर थे और शाम को वो पाक को अपनी ग्रैंड माँ के पास छोड़ ड्यूटी पे चले जाते हैं, जहाँ एक इंसान ड्रिंक एंड ड्राइव करा था तो उसे मशीन पर ब्लो करने कहते हैं, ये पता करने कि उसने पी रखी है या नहीं। और तभी अचानक वो बंदा गाड़ी तेजी से भगाता है और पाक के फादर गाड़ी के डोर में लटक से जाते हैं एंड अचानक उनका हाथ फिसल जाता है और वो तेज गाड़ी से बीच रोड में गिर जाते हैं। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती है एंड तभी हम देख पाते हैं उस कार ड्राइवर को, और उसे देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके पास कोई शैतानी ताकत हो। फिर हॉस्पिटल में अपनी फादर की खराब कंडीशन देख पार्क बहुत रोता है और चर्च जाकर गॉड से प्रे करने लगता है एंड तभी चर्च के फादर आकर उसके साथ बैठ कहते हैं, अगर दिल से प्रे करोगे तो तुम्हारे फादर ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और पार्क पूरी रात गॉड से प्रे करता है। फिर कुछ देर बाद वो अपने फादर को सपने में देख पाता है, जहाँ वो उससे कहते हैं, बेटा, हमेशा स्ट्रांग रहना और दूसरों की मदद करना, और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम्हारे फादर हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। एंड फिर उसकी नींद खुलती है और उसे पता चलता है उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर अगले दिन वो फ्यूनरल पे जाता है एंड वहाँ पे वही चर्च वाले फादर भी आए थे। उन्हें देखते ही पाक गुस्से में लॉर्ड जीसस के क्रॉस को उठाकर फादर के ऊपर फेंक कहता है, यहाँ कोई ईश्वर नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और तब से पार्क गॉड पर बिलीव करना छोड़ देता है एंड ऐसे ही 20 साल का वक्त बीत जाता है और पार्क अब बड़ा हो चुका था। वो अब एक चैंपियन MMA फाइटर था और उसका आज लॉस एंजलिस पे मैच होता है। मैच के दौरान कंटेस्टेंट के बैक पर लॉर्ड जीसस की टैटू बनी हुई थी और वो देखते ही पार्क को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है, इसने ही तुम्हारे फादर को मारा है, इसे मार दो इसे। और फाइट स्टार्ट होते ही पार्क उस बंदे को मार उसकी हालत ख़राब कर देता है। इवन वो अपना काबू खोकर उस बंदे को जान से मारने की कोशिश करता है, रेफरी फाइट को बीच में रोक कर पार्क को जीता हुआ घोषित कर बंदे की जान बचा लेता है। फिर पार्क फ्लाइट पे था एंड वो साउथ कोरिया वापस आ रहा होता है, पर तभी सोते हुए उसे सपने में अपने फादर की आवाज़ें सुनाई देती है एंड वो देख पाता है उसके फादर की तस्वीर के सामने लॉर्ड जीसस का क्रॉस है। और तभी अचानक उसे दूसरी आवाज़ें सुनाई देती है, इसी गॉड ने तुम्हारे फादर को मारा है, तुम्हें इससे बदला लेना होगा। और पार्क क्रॉस को फेंकने के लिए उठाता है पर फेंक नहीं पाता एंड तभी उसमें आग जलने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो जाकर नोटिस करता है कि उसके हाथों से सच में खून निकल रहा है, तो अपने मैनेजर के साथ जाकर डॉक्टर से दवाई लेता है। फिर रात को घर पे जब वो सो रहा था तभी हम देखते हैं कोई शैतानी ताकत उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है एंड जागने के बाद पार्क देखता है कि उसके हाथ का चोट का निशान और बढ़ चुका है। इवन डॉक्टर को भी यकीन नहीं होता कि दवाई देने के बावजूद चोट कैसे बढ़ गई। फिर अगले सीन में दिखाते हैं घर लौटते वक्त पाक का मैनेजर उसे अपनी नीज की कहानी सुनाता है कि वो इंसोमनिया से सफ़र कर रही थी, इवन उसे रात को डरावने सपने भी आते थे और धीरे धीरे उसे अनजान रूह और स्पिरिट्स भी दिखने लगते हैं, जिसके कारण उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। फिर मैनेजर कहता है उसने अपनी नीज को 10 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में दिखाया था पर इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उसकी नीज अपनी मदर के साथ एक एग्जॉस्टिस्ट के पास जाती है एंड एग्जॉस्टिस्ट बताता है कि उसे हार्ट डिजीज़ है और 10 दिनों के अंदर अंदर वो ब्लाइंड हो जाएगी एंड बिल्कुल ऐसा ही होता है। और उस दिन के बाद से उसकी नीज हम इंसानों को तो नहीं देख सकती, उसे हमारे आसपास मौजूद स्पिरिट्स दिखने लगते हैं एंड फिर मैनेजर
पार्क से अपनी नीस के पास चलने को कहता है, पर उसे इन सब में बिल्कुल भरोसा नहीं होता। बट फिर उस रात उसके साथ दोबारा वैसा ही होता है और पार्क की चोट और ज़्यादा गहरी हो जाती है। फिर अगले दिन डॉक्टर्स भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं एंड पार्क अब मैनेजर की नीस के पास जाने के लिए मान जाता है। फिर वहाँ पहुँच कर नीस पार्क को दिख बताती है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे स्पिरिट्स पड़े हैं क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हो और वो सारी रूह तुम्हें मैनिपुलेट कर कंट्रोल करना चाहती है। तभी अचानक उसे पाक के गले में एक चमकती हुई चीज़ दिखती है एंड वो पाक के फादर की रिंग थी। ये देख नीस कहती है ये रिंग में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बट पाक को ये सब जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो पाक को बताती है तुम्हारे हाथ पे जो निशान है इसके बारे में तुम्हें तुम्हारे घर के पास साउथ डायरेक्शन में एक चर्च है वहाँ पता चलेगा, और पाक वहाँ के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उसी चर्च को देख पाते हैं एंड वहाँ के फादर अपने जूनियर चोई के साथ मिलकर एक इंसान के अंदर से शैतान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे जो स्पेल्स पड़ा था, और फादर उस डीमन को भगाने की कोशिश में थे। पर वो इविल स्पिरिट इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि वो उनके स्पेल से भी खुद को आज़ाद करवाकर फादर को मारने की कोशिश करती है। चोई ने बचाने जाता है पर उस स्पिरिट्स की पावर्स को देख वो डर कर उस चर्च से ही भाग जाता है एंड अब ऐसा लग रहा था मानो जैसे फादर की मौत हो जाएगी। पर तभी अचानक वहाँ पे पार्क आकर उन्हें बचा लेता है और वो उस डीमन से फाइट करता है। एंड तभी हम देख पाते हैं पार्क के हाथ का चोट का निशान उस डीमन के लिए डेडली था, उसकी मदद से पार्क उसे जला देता है एंड फिर फादर होली वाटर का यूज़ कर उस इंसान को अपनी कॉन्शियस में ले आते हैं। पर फादर ये देख काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर पार्क ने अपने हाथ से उस स्पिरिट को कैसे हरा दिया। पर तभी पार्क उसे अपने हाथ के चोट के निशान को दिखाता है एंड ये देख फादर बताते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लॉर्ड जीसस के हाथों पे होता है जब उन्हें क्रूसीफाई किया गया था। एंड ये साइन सच्चे बिलीवर को इंडिकेट करता है और इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। पर पार्क ये सुन बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं था। एंड तभी उसके अंदर से दोबारा आवाज़ें आती हैं, फादर झूठ कह रहे हैं, वो धोखेबाज है, मार दो उसे। और फादर तभी एक स्पेल की मदद से पार्क को शांत करते हैं। फिर उसके घर जाकर चेक करते हैं कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है एंड वहाँ उसके घर पे वो छिपाकर एक क्रॉस का लॉकेट रख कहते हैं, अगर दोबारा तुम्हें वो आवाज़ें सुनाई दे तो मुझे बताना। एंड फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद चोई फादर से माफ़ी मांगता है वहाँ से भाग जाने के लिए और वो कहता है कि वो अब उनका इन सब कामों में साथ नहीं दे पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं पाक को रात को सोने में दिक्कत नहीं होती एंड सुबह वो देखता है कि बेड के पास क्रॉस का लॉकेट रखा हुआ है और वो उसे लेकर फादर के घर के गेट के बाहर उसे रखाता है क्योंकि उसे गॉड पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था बिकॉज गॉड ने उसके प्रेयर्स के बावजूद उसके डैड को नहीं बचाया था। फिर अगली सीन में दिखाते हैं फादर को एक कॉल आता है जिसपे वो कहते हैं कि मैंने कोशिश की पर वो डीमन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था इसलिए मैंने उसे भगा दिया पर पकड़ नहीं पाया। एंड इससे हमें ये पता चलता है इन सभी डीमन्स का एक डीमन मास्टर है इधर ही सियोल शहर में, वही इन सब के पीछे है। और तभी अचानक हमें डीमन मास्टर को दिखाया जाता है और वो एक बार का मालिक होता है एंड वहाँ पे एक बंदा आकर उसे अपनी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए धमकी देता है। तो डीमन मास्टर अपनी शक्तियों का यूज़ कर उसे बताता है कि उसका भाई उसे एक डील में धोखा देने वाला है। तो बंदा भागता हुआ जाकर अपने भाई को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ डीमन मास्टर अपने सीक्रेट चेंबर में पहुँच अपने खून की बूंद एक हार्ट ऑर्गन पर गिराता है और फिर वो हार्ट पे उसी बंदे के दिए विजिटिंग कार्ड के एशेस को रखता है। एंड दोस्तों तभी अचानक वो दिल बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन ऑर्गन की तरह वर्क करने लगता है और उस हार्ट को डिस्ट्रॉय करते ही वो बंदा मारा जाता है। एंड इसे देख हम क्लियरली समझ पाते हैं ये ब्लैक मैजिक था। फिर वो इस बंदे की सोल को डीमन लॉर्ड यानी डेविल को चढ़ा देता है और इससे उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन उसके घाव भी ठीक हो जाते हैं और वो और भी ज़्यादा जवान हो जाता है। एंड यहाँ मैं आपको बता दूँ ये डीमन मास्टर और कोई नहीं बल्कि पाक के फादर का कातिल है, यानी उस रात ड्रिंक एंड ड्राइव यही करा था। एंड तब से आज तक कई लोगों के सोल्स को इसने सैक्रीफाइस कर खुद को जवान रखा है। फिर अगली सीन में दिखाते हैं पार्क को और उसे दोबारा रात को दिक्कत शुरू होने लगती है। तो अगले दिन वो फादर से मिलने जाता है और फादर उसे वो क्रॉस वाला लॉकेट देते हैं एंड उसे थोड़ी बातें करते हैं ताकि वो उसके अंदर दोबारा गॉड के प्रति बिलीव ला सकें। पर तब अचानक उन्हें एक और केस सॉल्व करने जाना था तो पार्क उन्हें अपनी कार में ले जाता है और फिर वो भी उनके साथ एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए चला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इन फादर में अपने डैड दिख रहे होते हैं।
फिर दिखाते हैं वो दोनों बताए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहां पे एक लेडी उन्हें बताती है कि उनकी बेटी की बिहेवियर कल से बहुत ज़्यादा वियर्ड हो गई है। पर जब वो उस लड़की से मिलते हैं तो वो कहती है, मेरी मदर कल से पागल है, मैं नहीं, वो एक डीमन है, प्लीज़ उन्हें बचा लो। पर फादर तब भी उस पर एग्जॉसिज्म परफॉर्म करते हैं पर लड़की पे कोई भी असर नहीं होता। बट फादर पा के साथ मिलकर दोबारा दूसरा तरीका ट्राई करते हैं और तभी उसके अंदर का डीमन बाहर आ जाता है, यानी वो स्पिरिट खुद को बचाने के लिए जानबूझकर फादर को गुमराह करी थी। बट फिर वो दोनों मिलकर उसे बहुत लड़ते हैं बट फिर वो डीमन पा को उसके डैड का याद दिलाकर पागल कर देती है। बट फादर किसी तरह से पा को ठीक करते हैं और फिर पार्क अपने हाथ पे बना निशान यूज कर उस डीमन को जला देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं डीमन मास्टर की आंखों से खून निकलने लगता है क्योंकि उसका एक डीमन अभी अभी मारा गया था। फिर फादर उस लड़की जिसका नाम सू था उसके फोटोज देखते हैं कि वो किसी के साथ घूमा करती थी एंड सू के बॉयफ्रेंड की फोटो डीमन मास्टर से मैच कर जाती है एंड फादर उसे वॉर्न करते हैं कि वो डीमन मास्टर के साथ ना घूमे। पर तभी सू की आंखों से खून निकलने लगता है एंड हम देख पाते हैं डीमन मास्टर के पास एक डॉल थी जिसका यूज कर वो सू को मारने की कोशिश करता है ताकि वो उसके सोल को डेविल को दे सके। पर फादर अपनी स्पेल्स का यूज कर सू को बचा लेते हैं। फिर अगले सीन में पार्क और फादर साथ उनके घर पर डिनर करते हैं एंड डिनर के बाद पार्क जो अपने घर जा रहा था तभी डीमन मास्टर अपना रूप बदल कर वहाँ उससे आकर कहता है कि फादर एक झूठा इंसान है, वो खुद डीमन मास्टर है और तुम्हें धोखा दे रहा है। इवन वो पार्क को अपने हाथों में बना निशान दिखाता है जो बिल्कुल पार्क के हाथ जैसा ही था और वो उससे कहता है, इस निशान का मतलब कुछ भी नहीं है, वो बस तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। एंड ये कहकर डीमन मास्टर वहाँ से चला जाता है और उसकी बातों का असर पार्क पे हो जाता है और वो फादर को झूठा समझने लगता है। एंड डीमन मास्टर का प्लान भी यही होता है कि पार्क फादर पे बिलीव करना छोड़ दे और वो अपनी ताकत से उन्हें मार दे कि फादर ने उसके विक्टिम से डीमन्स को बाहर निकाल दिया था एंड ये उसके लिए खतरे की बात थी। फिर दिखाते हैं अगले दिन फादर को एक और केस मिलता है और वो पार्क को कॉल करते हैं अपने साथ चलने के लिए पर पार्क कॉल नहीं उठाता तो फिर उन्हें केस के लिए अकेले ही जाना पड़ता है एंड अकेले एक्सोसिज्म परफॉर्म करने का मतलब होता है मौत। दूसरी तरफ पार्क की मीटिंग थी जिसमें उसे एक बंदा आकर बताता है कि जल्द ही एक बहुत ही बड़ा MMA फाइट होने वाला है और उन्हें बहुत ही बड़े स्पॉन्सर्स मिलेंगे एंड पार्क को 10 गुना ज़्यादा पेमेंट मिलेगी तो वो प्लीज़ इसमें पार्ट ले ले। वहीं दूसरी तरफ फादर दूर एक ऑर्फनेज पे जाते हैं, वहाँ बेसमेंट पे एक बच्चे पे डीमन ने कब्जा कर लिया था और कुछ नंस कोशिश करती हैं उसे ठीक करने की पर इसमें वो फेल हो जाती हैं। पर फादर आकर उस डीमन को हरा देते हैं एंड वो नंस को संतावना देते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। पर तभी अचानक डीमन दोबारा से उस बच्चे के अंदर आ जाता है एंड ये देख फादर हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एग्जॉसिज्म के बाद डीमन वापस सेम शरीर में आ ही नहीं सकता। पर तभी वो डीमन कहता है, इस शरीर में एक डीमन नहीं बल्कि 666 अलग अलग डीमन्स हैं और एक को मारोगे तो दूसरा आ जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ 666 नंबर और किसी को नहीं बल्कि डिविल यानी एंटी क्राइस्ट को सिग्निफाई करता है एंड इसे नंबर ऑफ बीस्ट भी कहा जाता है। एनीवेज अगले सीन में हम देख पाते हैं फादर बहुत कोशिश करते हैं पर दो ही डीमन्स को मार पाते हैं और उसमें ही उन्हें काफ़ी चोट आ जाती है। उनकी हेल्प एक नन भी करती है पर वो दोनों ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और फादर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट एंड वक्त पे वहाँ पार्क आ जाता है अपनी बड़ी डील को छोड़कर। दरअसल जब वो मीटिंग में था तो उसे वहाँ पे एक वेट्रेस के हाथों पे क्रॉस दिखता है और वो देख उसे फादर की याद आती है और नन से यहाँ का एड्रेस पता कर वो तुरंत यहाँ पे पहुँच जाता है। फिर वो अपने हाथ के निशान की हेल्प से सारी डीमन्स को ख़त्म कर फादर की जान बचा लेता है एंड वो पोजेस्ड बच्चा भी अब सेफ था। और शाम को उन दोनों को दोबारा नंस का कॉल आता है एंड वो आकर देखते हैं कि उस बच्चे की मौत हो गई है एंड तभी हम देख पाते हैं उस बच्चे को डीमन मास्टर ने मरवाया था क्योंकि उसे एक नया सोल चाहिए होता है वो भी नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ एंड इस बच्चे को दूसरे बच्चे बुली करते थे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो डीमन मास्टर उस एनर्जी की मदद से खुद को और स्ट्रॉन्ग कर लेता है। फिर जो वो दोनों उस बच्चे की बॉडी को देखते हैं तभी पार्क को डीमन मास्टर का वो रूप दिखता है जिसने उसे फादर के खिलाफ भड़काया था और वो गुस्से में उसके पीछे भागता है। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चा जिंदा हो जाता है एंड फादर से कहता है, मुझे बचा लो फादर प्लीज़। पर अचानक वहाँ डीमन मास्टर आकर फादर पे हमला कर देता है। यह आवाज़ पार्क को सुनाई पड़ती है तो वापस लौट कर देखता है फादर खतरे में है
यानी कि डीमन मास्टर ने उसे बेवकूफ़ बनाकर जानबूझ के फादर से दूर किया था। एंड फिर वो कहता है, फादर को बचाना चाहते हो तो अपने हाथ को ऊपर करो और कहो तुम गॉड और होली फादर पर बिलीव नहीं करते। एंड इससे ये होगा कि पार्क की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी। एंड पार्क फादर को बचाने के लिए करने को तैयार था, पर तभी फादर खुद को ख़त्म कर देते हैं और पार्क ये देख तुरंत फादर को लेकर चोई के पास जाता है। एंड चोई कोशिश करता है कि उस डीमन के अटैक का असर कम कर सके। दूसरी तरफ पार्क जल्दी से चर्च पहुँच गॉड से कहता है, आखिर क्यों आप मेरे सारे चाहने वालों को मुझसे छीन लेते हो? आखिर आप अपने बिलीवर्स को क्यों मरने देते हो? पहले मेरे डैड और फादर दोनों आप पर यकीन करते हैं, पर आपको उनकी कोई भी फिक्र नहीं है, बट मुझे है और मैं फादर को बचा कर रहूँगा। फिर पार्क चोई के पास वापस आता है एंड चोई के स्पेल से फादर को कुछ समय के लिए होश आ जाता है और फादर पार्क को अपना स्पेशल रिंग देते हैं जिसकी मदद से वो डीमंस को ख़त्म करते थे। फिर चोई पार्क को एक सूट देता है और कहता है, ये सूट पे पोप का आशीर्वाद है और पोप दरअसल रोमन कैथोलिक चर्च के हेड को कहते हैं। फिर अगली सीन में दिखाते हैं पार्क उस सूट को पहनकर डीमन मास्टर को ख़त्म करने के लिए चला जाता है जिससे वो फादर को बचा सके। पहले वो सू के पास जाकर उसे बताता है कि फादर की जान खतरे में है और सू उसे डीमन मास्टर का एड्रेस दे देती है। एंड एड्रेस पर जाते ही पाको बहुत सारे डीमन गार्ड से लड़ना पड़ता है और उन्हें हराने के लिए वो फादर का मैजिकल वाटर को अपने हाथ के निशान पर डाल एक एक करके सारे डीमन्स को मार देता है। दूसरी तरफ डीमन मास्टर ये देख काफ़ी डर गया था और वो एक रिचुअल कर रहा होता है एंड उसकी मदद से वो अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तभी पार्क बेसमेंट पहुँच दिखता है कि डीमन मास्टर डेविल वाटर में गिर गया है। वो पास जाकर नोटिस करता है तो पानी में अचानक ब्लास्ट होता है एंड उस पानी से डीमन मास्टर निकलता है। वो अब कोई नॉर्मल रूप में नहीं बल्कि एक क्रीचर बन चुका होता है। फिर उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है एंड पार्क अपने स्पेशल पावर्स को यूज़ करता है ताकि डीमन मास्टर को ईजीली हरा सके, पर वो पावर कोई भी असर नहीं करती और डीमन मास्टर आसानी से पार्क को हरा रहा था। इवन वो जहर का यूज़ कर पार्क को बेहोश कर देता है एंड अब ऐसा लग रहा था मानो जैसे पार्क मारा जाएगा। फिर बेहोशी में पार्क सपने की दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ उसके फादर उससे मिलने आते हैं और उसे एक आखिरी बार बताते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पार्क तुम कभी हार मत मानना एंड गॉड पे बिलीव रखना, वो तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे। एंड तभी हम देख पाते हैं पार्क का वो हाथ ग्लो करने लगता है एंड गॉड पे बिलीव के कारण उसकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ जाती है एंड अब पार्क और डीमन मास्टर दोनों ही बराबर के स्ट्रॉन्ग थे। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं फादर की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है एंड चोई किसी तरह जहर को स्लो करने की कोशिश कर रहा था। फिर पार्क को दिखाते हैं और वो अपनी पूरी ताकत से क्रिएचर से लड़ रहा था, पर वो कुछ भी कर ले डीमन मास्टर को हरा नहीं पाता। तभी उसे फादर की दीवी स्पेशल रिंग की याद आती है, वो उसे अपने हाथों में रखता है और उसकी पावर अचानक दुगनी हो जाती है एंड वो नेक्स्ट पंच में डीमन मास्टर को बेहोश कर देता है और फिर वो उसके चेस्ट पे लगा एक दांत जैसा टुकड़ा निकाल उसे जला देता है एंड उसे जलाते ही डीमन मास्टर की मौत हो जाती है। पर दोस्तों तभी अचानक पानी से डेविल बाहर आकर डीमन मास्टर को अपने साथ कुएं के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ पार्क चोई के घर वापस आता है और देखता है कि फादर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, यानी डीमन मास्टर को मारते ही सब कुछ ठीक हो गया एंड पार्क के लिए फादर अब कोई चर्च के प्रीस्ट नहीं रहे थे बल्कि उसके खुद के फादर फिगर बन चुके होते हैं और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पार्क को ये ऐसी पावर्स क्यों मिली, क्योंकि वो तो गॉड पे बिलीव भी नहीं करता था। तो उसका जवाब है पार्क के फादर। दरअसल वो ये बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं और गॉड पे पूरा विश्वास करते थे एंड उनके मरने के बाद उनकी अच्छाई एक तरह से पार्क के पास पावर्स बनकर आ गई और पार्क पूरे फिल्म के दौरान भले ही ये कहता हो कि वो गॉड पे बिलीव नहीं करता, पर उसके अंदर थोड़ा यकीन अभी था। पर उसके अंदर जो गॉड के प्रति गुस्सा था उसे नॉन बिलीवर बना दिया था। पर अंत में फादर अपने डैड के कारण वो वापस गॉड पे बिलीव करने लगता है और इससे उसकी शक्ति और भी ज़्यादा हो जाती है जिससे वो डीमन मास्टर को हरा पाता है। इवन काफ़ी सारे चांसेस हैं इस फिल्म का सीक्वल भी बन सकता है एंड अगर ये फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है तो मे बी इसकी फ्रेंचाइज भी बनाया जा सकता है। ये फिल्म की कहानी काफ़ी मज़ेदार थी, इवन इसके एक्शन सीक्वेंसेस और विजुअल्स भी बहुत ही अच्छे थे एंड अगर आप भी इसे देखना चाहते हो तो इसका लिंक आप उसे इंस्टाग्राम पे आकर ले सकते हो। भाई तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ से लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।